हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। इन अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉब वेब डिजीज ऑफ अगेरिकस बायोस्पोरस यानी कि वाइट बटन मशरूम, जिसमें कॉब वेब डिजीज या सॉफ्ट माइल्डियो भी हम इसे बोलते हैं, उस डिजीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉब वेब डिजीज, जिसे हम सॉफ्ट माइल्ड्यू भी बोलते हैं। सॉफ्ट माइल्ड्यू कॉब वेब डिजीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन सा इसे कॉज करता है? दिस इज क्लेडोबॉट्रियम डेंड्रोइड्स ऑर्गेनिज्म है। इसकी और भी स्पीशीज हैं जो कॉज करती हैं कॉब वेब डिजीज। बेसिकली ये इनफ्रिक्वेंटली, मतलब कभी कभी हमें फार्म पे मिलता है ओकेजनली, ज्यादातर ये हमें नहीं मिलता, बट अगर आ जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव रहता है, फार्म पे नुकसान करता है। क्लियर? और ये हमेशा केसिंग में होती है, केसिंग मटेरियल। कॉब वेब डिजीज केसिंग में ही अपियर होती है और पिनहेड से ऑनवर्ड ये डिजीज फैलती है केसिंग में ही अपियर होती है। इसमें सर्कुलर पैचेस बनते हैं व्हाइट माइसीलियम के, जो धीरे धीरे अगर आप ये पिक्चर्स देखोगे, इसमें पिक्चर में पूरी तरह धीरे धीरे माइसिलियम अपीयर होता है पहले, फिर वो माइसिलियम सारा कवर कर देता है बटन को, मशरूम के बटन को कवर कर देता है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे जाला, मकड़ी का जाला लग जाता है, वैसे ही ये लग जाता है, इसी हम इसे कॉब वेब डिजीज कहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो मशरूम है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती है और सड़ने लग जाती है। मशरूम ब्राउन होके सड़ने लग जाती है, ये भी एक निशान है कॉब वेब डिजीज का। अब कहता है ये बेसिकली जो फंगस है, ये हमें सॉयल इनहिबिटिंग फंगस है, मतलब ये सॉयल में हमें मिलती है, इसलिए इसके जो स्पोर्स हैं वो केसिंग सॉयल में ही मिलते हैं, केसिंग सॉयल के साथ ही हमारे कंपोस्ट में आते हैं मोस्टली। जो केसिंग, दो तरीके की हमें केसिंग में कंटेमिनेशन मिलती है, पहली जो होती है स्पोर, दूसरा माइसिलियम। अगर ये स्पोर आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट और सेकंड फ्लश में ये अपीयर नहीं होगा, थर्ड या फोर्थ या हो सकता है फिफ्थ फ्लश में जाके अपीयर हो। इसका मतलब ये है कि जो लोग दो फ्लश ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लश ले रहे हैं, उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर स्पोर प्रेजेंट है किसमें, केसिंग सॉइल में। पर अगर माइसिलियम प्रेजेंट है केसिंग सॉइल में, तो आपके ये फर्स्ट फ्लश में ही अपीयर हो जाएगी और फर्स्ट ब्रेक में ही इसके सिम्टम आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद कहता कौन सी चीजें इसको बढ़ावा देती हैं, अगर आपकी ह्यूमिडिटी 90% है, टेम्परेचर 18 डिग्री से सेल्सियस है, क्लियर, तो कॉब वेब की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। और जो ये पैथोजन है, ये एयरबॉर्न स्पोर से भी कह लो फैलता है। मान लीजिए स्पोर के एयर के थ्रू स्प्रेड होगी ब्लोअर से, या कंटेमिनेशन होगी वर्कर के थ्रू, या केसिंग मटेरियल इन्फेक्टेड, इनसे भी ये फैलता है। और इसका जो होस्ट, मान लीजिए अगर आसपास के एरिया में कहीं वाइल्ड मशरूम, जंगली जो मशरूम उग रही है, ये भी उसका रिजर्वायर है, होस्ट है, और वहां पे भी ये पैथोजन सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे अगर, और ज्यादा मान लीजिए आपने इनएडिक्वेटली, मतलब अगर आपकी प्रॉपर पैश्चराइज कंपोज नहीं है, क्लियर, तो भी ये पैथोजन आपका अपियर हो जाएगा केसिंग में। अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पहले है प्रिवेंशन, फिर है क्योर, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहले हमें प्रिवेंट करना है, फिर हमें क्योर करना है। तो प्रिवेंशन में क्या है, आपको केसिंग प्रॉपरली स्टरलाइज करनी है। आप जो केसिंग सॉइल में अगर कोकोपीड यूज कर रहे हैं या कोई और मटेरियल यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है। रेगुलर क्लीनिंग, जो आपके ग्रोइंग रूम्स हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग करनी है। जितना भी रिमूवल है, कट मशरूम स्टेम्स या यंग हार्व या डेड मशरूम्स, उन सबको आपने रिमूव करना है। आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये कंट्रोल करनी है, ताकि इसको ज्यादा अपने जाने देना, ताकि आपकी डिजीज कंट्रोल में रहे। ये दीज आर द प्रिवेंशन मेजर्स। नाउ अब आ गया कंट्रोल। अगर हम जो भी हमारा आसपास का एरिया है या ग्रोइंग रूम है, एनुअली हम उसे बॉडी एक्स मिक्सचर,
यहाँ पे अभी ये वर्ड यूज हुआ है पॉडीएक्स मिक्सचर, 2% पॉडीएक्स मिक्सचर हम यूज करेंगे। मैंने 1% पॉडीएक्स मिक्सचर आपको बनाना सिखाया है, आप उसको डबल कर लीजिए, वो 2% पॉडीएक्स मिक्सचर बन जाएगा, जिसमें हमें कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी है। पॉडीएक्स मिक्सचर हमें ले जाए, आप पॉडीएक्स मिक्सचर यूज करके इसको कंटेमिनेशन कंट्रोल कर देते हैं, साल में एक बार ये आपने करना है। 5% फॉर्मलिन आप स्प्रे कर सकते हैं फ्यूमिगेशन सॉल्यूशन का, या आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं 2 लीटर फॉर्मलिन लेके और 1 किलो पोटेशियम परमैंगनेट लेके। ये फ्यूमिगेशन कैसे करनी है इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। बॉडीएक्स मिक्सचर कैसे बनाना है उसका भी प्रॉपर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इन वीडियोस को पहले आपके लिए बना के अपलोड किया हुआ है। तो ये चीजें आपने प्रिवेंट करनी है, सॉरी कोवैप डिजीज को प्रिवेंट करना है, उसके लिए आप ये करोगे। अगर मान लीजिए आपकी अभी नहीं आई तो आप इमीडिएटली बेनोमाइल का स्प्रे करोगे केसिंग में 0.1% इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप सिंगल एप्लीकेशन में प्रोक्लोराइज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स यूज करोगे, जिसे हम स्पोरोगोन भी कहते हैं, 1.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से क्लियर 9 डेज आफ्टर केसिंग और बट हर 9वें दिन पे आप ये करोगे तो आपका एक ये डिजीज कंट्रोल हो जाएगी। सो कॉबवेब डिजीज कोई इतना ज्यादा हैवी नुकसान नहीं करती, बट अगर आ जाए तो ये क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों पे इफेक्ट करती है। कई बार हमें कुछ सिम्टम अपीयर ज्यादा नहीं आ रहा था, बट उसमें मशरूम की जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है। अगर मशरूम की अपीयरेंस खराब होगी बट आपके पास तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कॉबवेब डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आप इन प्रिकॉशंस को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।